प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों कर्नाटक का नाटक लगातार बरकरार है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों से कर्नाटक में लगातार घमासान है और कांग्रेस जेडीएस और बीजेपी आमने सामने है, जिसको लेकर के मैं नई अपडेट यानी कि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बता देना चाहता हूं। दोस्तों कर्नाटक की जो विधानसभा है वो 22 यानी कि मंडे तक जो है स्थगित कर दी गई है, और स्थगित करने का रीज़न ये रहा क्योंकि वहाँ पे जो विधानसभा है काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ, आप लोगों ने देखा ही होगा। कल के दिन जो है बीजेपी के जो विधायक हैं वो विधानसभा के अंदर ही सो गए, अपना मतलब जो है वगैरह लगा के पूरी रात वहीं सो गए, खाना वगैरह भी वहीं खाया। लेकिन वहीं आपको बता देना चाहते हैं जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं बाजू भाई वाला, उन्होंने कई बार जो है वहां के जो विधानसभा स्पीकर हैं उनको पत्र लिखा, वहीं कुमार स्वामी को भी लिखा, लेकिन उनके पत्र की यानी कि उनको इग्नोर करते हुए अब जो है लेटेस्ट अपडेट ये है कि 22 तारीख यानी कि सोमवार तक विधानसभा जो कि कर्नाटक की वो स्थगित कर दी गई है। अब कुमार स्वामी सरकार के सामने चुनौती ये है कि वो 22 तारीख यानी कि मंडे तक अपना जो है बहुमत साबित करके दिखाएं, नहीं तो उनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन वहीं आपको बता देना चाहते हैं बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा बीजेपी जिस तरह से वहाँ पर कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द वहाँ पर जो है वोटिंग कराई जाए यानी कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं क्योंकि बीजेपी की उम्मीदों पर यह पानी फिरता हुआ एक इशारा है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस और जेडीएस के कम जो है 16 विधायक बागी बन गए थे, जिसमें से खबर ये आ रही कि दो विधायक जो है कमबैक करने के लिए राजी हैं, जिसमें से मैं उनका नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन दो विधायक ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि मानने के लिए राजी हो चुके हैं। यानी कि अगर कांग्रेस अभी और 3 विधायकों को मना लेती है तो कांग्रेस के पास बहुमत साबित करने का आंकड़ा आ जाएगा। वहीं आपको बता देना चाहते हैं बीजेपी के यानी कि जो उसकी उम्मीद है उस पर एक बार फिर से पानी फिर जाएगा और उसका जो ऑपरेशन लोटस है वो पूरी तरह से अनसक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन वहीं पे कुमार स्वामी का एक बयान आया, मैं आपको बता देता हूं, जो कि सीएम है कर्नाटक के, उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जो है सोमवार को जितना भी समय लगे उसी दिन वोटिंग होगी, यानी कि सोमवार को ये पक्का है कि फ्लोर टेस्ट जरूर कराया जाएगा। वहीं इन सब के बीच कांग्रेस ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दी गई है कि यहाँ पे बीजेपी की तरफ से जोड़ तोड़ की राजनीति की जा रही है, और वो जो व्हिप जारी करने का एक मामला था जिसको लेकर के कांग्रेस जो है अब सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कब करता है, अगर सुनवाई करता है और सुनवाई करने के इन बिटवीन अगर फिर से विधानसभा की स्थिति इसी तरह से बरकरार रहने के लिए कुछ दिन और दे देता है तो आप समझ लीजिए बीजेपी के उम्मीदों पर और ज़्यादा पानी फिर जाएगा। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं येदुरप्पा जो कि वहां के पूर्व सीएम हम कह सकते हैं, उन्होंने जो वहां के स्पीकर हैं उनके ऊपर एक कमेंट किया था जिसके जवाब में वहां के जो स्पीकर उन्होंने साफ कहा कि हम पे उंगली उठाने वाले पहले अपने गिरेमान में झांके देखें, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है जिस तरह से राजनीति हो रही कर्नाटक की वो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए इतना बड़ा खतरा है कि हम कह नहीं सकते। दोस्तों इसके ऊपर आप अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।